हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू इंडिया में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ोन से कैसे री रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप लोग जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़र हैं उन्हें कैसे अप्लाई करना है री रजिस्ट्रेशन के लिए, इस पर पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक ऊपर आई बटन पर आ रही है, जाओ क्लिक करो और देखो। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फ़ोन यूज़ करते हैं, जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल इग्नू इंडिया पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि टाइम पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले आप लोग को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, फिर साइड में आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, उस पर क्लिक कर दो। अब आप रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक कर दो, फिर आपको री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दो। अब आपके सामने कुछ गाइडलाइंस आ जाएंगी, इन्हें आराम से पढ़ लीजिए। इसके बाद और फिर प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने स्टूडेंट पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका इनरोलमेंट नंबर डालना है, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर होगा। फिर आपको आपका पासवर्ड डालना है, देन आपको आपका कैप्चा कोड दिख रहा है वो आपको डालना है। इसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ है, तो आप आई बटन पर लिंक आ रही है उस पर क्लिक कीजिए और अकाउंट कैसे बनाते हैं वीडियो देख लीजिए। ज्यादातर वीडियो मैंने बताया है, इसमें मैं नहीं बता रही हूँ, तो आप और वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है, देन आप अपने अकाउंट पर आ जाओगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है आपके सब्जेक्ट की डिटेल पूरी आ जाएगी। फिर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है, आपके जितने भी सब्जेक्ट की डिटेल है सब आपके सामने आ जाएगी। आपका नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एडमिशन ईयर, आपका प्रोग्राम टाइप, आपका एडमिशन कोटा, एवरीथिंग आपके सामने आ जाएगा। ओपन होके उसे देख लीजिए आप आराम से, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। फिर आपके कोर्सेज आ जाएंगे, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप वो देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्स, उस पर आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। जब आप वो क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम दोबारा से खुल के आ जाएगा। आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, आपको आपका स्टडी मटेरियल कैसे चूज करना है, डिजिटली चूज करना है या फिर आपको ऑफलाइन चाहिए। अगर आप डिजिटली लेंगे तो 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो सिंपली सा आपको प्रिंट फॉर्म में आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा बाय पोस्ट। ठीक है, आप देख लीजिए आपको किस तरीके से आपको आपका स्टडी मटेरियल चाहिए। अब नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट दिखाए जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको आपका क्या सिलेक्ट करना है, तो आप आराम से अपने कोर्स के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। ये सेमेस्टर वाइज कोर्स है बीए प्रोग्राम का, तो आप देख लीजिए आपका प्रोग्राम क्या है, आपके पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन है या नहीं, हमें क्या सब्जेक्ट चाहिए, हम वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे ही हम लोग अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे हम लोग, जैसे अपने सब्जेक्ट सारे हमने सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आपके पास नहीं है सब्जेक्ट, क्योंकि हर कोर्स में नहीं होता है कि आपको मतलब सब्जेक्ट दिए जाए, बट इसमें है तो हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपकी जितनी भी डिटेल्स, आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे, जिस तरीके से आपने स्टडी मटेरियल चूज किया होगा, वो सब आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। सारे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, कितने क्रेडिट्स हैं, सारे सब्जेक्ट, नेम ऑफ कोर्स, कोर्स कोड, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। सेमेस्टर में भी बता रहा है कि ये 3rd सेमेस्टर के हैं, ये 4th सेमेस्टर के हैं, सब कुछ आपके सामने ओपन होके अच्छे से आ जाएगा। फिर नीचे आपको फी डिटेल दी गई है, अपडेट कोर्स सिलेक्शन, यानी आपको अगर अपना कोई भी सब्जेक्ट दोबारा से सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप पे फी कर दीजिए, 2 ऑप्शन थे, किसी से भी कर दीजिए। यहाँ पे कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग, UPI, जिस भी ऑप्शन से आप चूज करना चाहते हैं पेमेंट, आप सिलेक्ट कर लीजिए और अपना आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको फोन से री रजिस्ट्रेशन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल इग्नू इंडिया को। हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रही है, आप हमें कैसे कॉल करें वहाँ पर सब कुछ बताया गया है, आप हमें कैसे कॉल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो शेयर करनी है जिससे कि सबको पता चल जाए फ़ोन से री रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। और कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।